तो दोस्तों अगर आपका चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है तो अगर आप अपने चैनल के वीडियो में एक सेटिंग कर देंगे तो आपका जो अर्निंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ऐड बहुत कम आते हैं और सस्ते ऐड आते हैं, तो एक सेटिंग कर दीजिएगा अगर आप अपने वीडियो में, तो आपका रेवेन्यू जो है ज्यादा आएगा, अर्निंग भी ज्यादा होने लगेगा। तो वह क्या सेटिंग है दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपसे बात करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे चैनल टेक्निकल बिहार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको भी अपने चैनल में एक सेटिंग कर देना है जिससे कि आपका जो रेवेन्यू है स्टार्टिंग से ही बढ़ जाए। जनरली दोस्तों होता क्या है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो बहुत सारे नए यूट्यूबर को ये मालूम नहीं होता है कि उनके वीडियो में क्या कुछ सेटिंग करना होता है जिससे कि उनका जो रेवेन्यू बनता है वो अच्छा बने। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है कि YouTube आप पे ट्रस्ट उतना ज्यादा नहीं कर पाता जितना कि पुराने YouTube करता है, तो वहां पे आपके वीडियो पे सस्ते ऐड आते हैं और काफी कम ऐड आते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा 2000 3000 4000 व्यू पे आपके $1 बनते हैं। लेकिन वही अगर आप इस सेटिंग कर देंगे तो आपके 1000 1200 व्यू पे $1 बनने लगेंगे। तो क्या वो सेटिंग है, और स्टार्टिंग में होता क्या है कि ये चीज बहुत सारे यूट्यूबर को मालूम नहीं होता है। 90% ऐसे लोग होते हैं यूट्यूबर जो होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि क्या कुछ सेटिंग करना होता है। 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बात मालूम होती है कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या कुछ सेटिंग करना होता है। तो उसी सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे चलना होगा सिस्टम पे, और सिस्टम पे जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको सेटिंग करना अपने वीडियो में जिससे कि आपका स्टार्टिंग से जो है रेवेन्यू अच्छा बने और आपका काफी अच्छा अर्निंग यूट्यूब से कर पाए। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ सिस्टम पे, और आपको भी जैसे मैंने यहाँ पे अपना चैनल लॉगिन करके रखा है, आपको भी चैनल लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे वीडियो सेक्शन में यानी कंटेंट पे आ जाना है। और कंटेंट पे आने के बाद आपको क्या सेटिंग करना है, आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है सेटिंग करने के लिए कि जो भी 8 मिनट से ज्यादा का वीडियो, यानी कम से कम 8 मिनट का वीडियो, जैसे ये 6 मिनट का वीडियो है, ये 7 मिनट का वीडियो, तो ये सब वीडियो पे सेटिंग नहीं होगा। ये देखिए 12.05 सेकंड का वीडियो है यानी 12 मिनट का वीडियो है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ और देखिये यहाँ पे देखिये ये वीडियो जो है ये 8 मिनट का वीडियो, 8 मिनट 42 सेकंड का वीडियो, तो इस पे मैं सेटिंग कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, ये सब बड़ा वीडियो है इस पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले वीडियो को मैं सेटिंग करता हूँ। इस तरह करके आपको हर एक वीडियो को सेटिंग कर लेना जिससे कि आपका जो अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है सेटिंग करने के लिए, आपको आ जाना यहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो यहाँ पे डॉलर का आइकॉन दिख रहा है इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोनेटाइजेशन सेक्शन जो होगा उस वीडियो का वो यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है मिड रोल, यानी मिड रोल एड। ये क्या होता है, वीडियो के बीच में एड आता है। अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर मालूम है तो आप जानते ही होंगे। आगे आप वीडियो बन रही है कैसे सेटिंग करना है उसके बारे में बताऊंगा, अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे होता है मिड रोल एड, कहने का मतलब जो है वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे तो व्यू आपका एड आएंगे ही आएंगे, लास्ट में आता ही है, एंडिंग पार्ट में आता ही एड है, लेकिन वीडियो के बीच में एड आपको लगाना है, जिसको यहाँ पे आप ये कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये प्लेस हो जाएगा एड। अगर आप चाहते हैं मैनेज करने के लिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर ऑन नहीं तो आपको सिंपली ऑन कर देना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज मिड रोल, यहाँ पे क्लिक करना है, यानी मिड रोल जो एड है उसको आपको मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए देखिए अभी क्या है कि ये ऑटोमेटिक एक एड लगा हुआ है, डिफॉल्ट जो है एड ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है। देख लीजिए पहला ऐड जो आएगा, स्टार्टिंग में जो ऐड आता है वो आएगा ही, और एंडिंग में जो आता है आएगा ही। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, वीडियो के एकदम एंडिंग पार्ट में यहाँ लगा हुआ है, तो बिल्कुल गलत लगा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा इसे ऐड ब्रेक को। देखिए ब्रेक हो गया यहाँ पे, मतलब डिलीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे मुझे ऐड लगाना है तो ऐड मान लेते हैं स्टार्टिंग में एक ऐड आएगा, उसके बाद ये वीडियो जो है 8 मिनट 42 सेकंड का है, तो मैं यहाँ पे एक 2-2.5 मिनट के पास एक ऐड लगा, तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन का ये आ गया यहाँ पे एरो, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है ऐड ब्रेक पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे ऐड जो है लग गया, यानी कोई भी आपका वीडियो देखेगा जैसे यहाँ पे आएगा तो उसके वीडियो में ऑटोमेटिक जो है फिर से दोबारा ऐड वीडियो के बीच में चलने लगेगा। यहाँ पे आता हूँ, एक और ऐड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 4.5 मिनट के आसपास में, मतलब 4 मिनट 41 सेकंड के आसपास में। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ऐड ब्रेक पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए ऐड लग गया, यानी देखिए वीडियो के शुरू में ऐड आएंगे, बीच में मैंने 2 ऐड लगा दिया है, और एक अगर चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं ऐड लगा सकता हूँ, यहाँ पे 6 मिनट 53 सेकंड के आसपास में। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया और सिंपली आप यहाँ पे आकर के ऐड ब्रेक कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ऐड लग गया, अगर आप चाहे तो लगाने के बाद भी इसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या
कि ऐसे देखिए डिफॉल्ट जो था इसमें दो ही ऐड लगा हुआ था, एक स्टार्टिंग में और एक जो डिफॉल्ट मैंने ओके करके रखा था यहाँ पे लगा हुआ था 8 मिनट 41 सेकंड में, लेकिन यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन किया और यहाँ पे मैं 3 ऐड बीच में लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि जब ऐड ज्यादा आएंगे तो आपका रेवेन्यू भी ज्यादा बनने लगेगा। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से जितना भी 8 मिनट से ज्यादा का वीडियो है आपको इस तरह से सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो ऐड आपका है वो बीच में लग गया, यानी मिड रोल ऐड जो है वो लग गया यहाँ पे मैनेज, आप यहाँ से गए थे मैं क्लिक करने के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर अगर देखना चाहते हैं तो आप फिर से आइए और देखिए वो ऐड जो है वो लगा हुआ रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है, और स्टार्टिंग में और एंड में तो वो डिफॉल्ट ऐड आता ही है। तो इसको मैं सेव कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं डिस्कार्ड चेंज पे क्लिक कर दूंगा। तो इस प्रकार आप भी जो भी 8 मिनट का ज्यादा का वीडियो है, जैसे इसमें मैंने लगा दिया, फिर स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे है, इस पर भी नहीं लगा हुआ है तो इस पर मैं जाऊँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करके इस प्रकार से ऐड मैं लगा दूंगा। देख लीजिए यहाँ पे मैनेज पे आऊँगा। तो इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, अगर नए यूट्यूबर हैं आप, नए नए चैनल मोनेटाइज हुआ है, देखिए यहाँ पे भी डिफॉल्ट जो है एक ही लगा हुआ है, डिफॉल्ट मैंने ओके करके रखा है तो एक लगा हुआ, जबकि वीडियो जो है 9 मिनट 52 सेकंड का है, देख लीजिए। तो इसमें भी चाहूंगा तो मैं 3-4 ऐड लगा सकता हूँ, कम से कम तो 3-4 ऐड आप बीच में लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐड लगा देंगे तो आपके चैनल पर ज्यादा ऐड आएंगे और आपका रेवेन्यू भी काफी अच्छा स्टार्टिंग से ही बनने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बता दिया है कि आपको स्टार्टिंग से ही जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको क्या कुछ सेटिंग करना है अपने वीडियो में, जिससे कि आपका स्टार्टिंग से ही रेवेन्यू जो है काफी अच्छा यूट्यूब से बन पाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।